सो फ्रेंड्स, यह है एलोरा केव्स। देख सकते हैं यहाँ पर ब्यूटीफुल गार्डनिंग, और ये भारतीय इतिहास के बड़े बड़े माइलस्टोन में से एक है एलोरा केव्स, जिसमें कृष्णा टेम्पल है जो काफ़ी मिस्टीरियस है। और 34 के समथिंग केव्स हैं। मनीष, रेस्टोरेंट 34 के करीब केव्स हैं। चल तो आगे चल, टिकटिंग चेक करवा लेते हैं। इसी इधर से आउट होना है। राइट साइड मशीन वो सर, चलो सर पुश करो, ये ले लीजिए सर। आप इनसे ये अलग लगे क्या? ये दो बल्ले, तेरा मेरा अलग अलग कर दिया उन्होंने। अरे माता एक ही छा। मनीष, घोंसला चिड़िया का। तो यार ये बैग में रख, डाल दे, डाल दे। मेरे तो उसमें गाड़ी में ही है। अरे मेरा फोन भी है ना, अभी तक पता नहीं अजंता एलोरा कहाँ घुमा रहा। सो 34 के समथिंग केव्स हैं यहाँ पर, 34 हैं, जिसमें से कुछ जैन धर्म, बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई हैं, और कुछ बाद में जो एक्सकेवेशन हुआ उसमें 22 शिव की गुफाएं यहाँ पर। Turn left onto Ellora Cave Road, then slide right to stay on Ellora Cave Road. और गुफाएं यहाँ उत्खनित हुई है, जिसको भी हम यहाँ पर देखेंगे। सेल्फी स्टिक बुक लेना, इन्फॉर्मेशन बुक लेना है। गरम क्या हुआ? कुछ नहीं। हम काफ़ी समय पहले यहाँ पहले आ चुके हैं, तब ये इतना डेवलप्ड नहीं था। अभी आप दूर से देख सकते हैं कृष्णा टेम्पल। सर देखो फिर यहाँ पे बना लो एक सब्सक्राइब, यहाँ से पूरा माउंटेन कवर हो जाएगा, पूरा फैमिली के साथ आ जाएगा। फोटो भैया फोटो बना दो। सो फर्स्ट लेट अस डिस्कस द हिस्ट्री ऑफ दिस एलोरा केव्स। तो ये है रॉक कट टेंपल्स, ये चंद्रगिरी हिल्स के बीच में। नहीं ये डिफरेंट है, ये पता नहीं कहाँ से ले, वो अजंता में तो है ही सही। तो ये चंद्रगिरी हिल्स के बीच में इसको कार्व आउट किया गया है गुफाओं को, और यहाँ पर टोटल 34 केव्स हैं, जिसमें से नहीं फर्स्ट से होगी ना, फर्स्ट 12 महायान बुद्धिस्ट केव हैं, जो 600 से 875 एडी के आसपास उत्खनित की गई थी। 5 केव्स हैं जैन फैथ की, जो 800 से 1000 एडी के आसपास उत्खनित की गई, और 22 केव्स हैं जो लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड हैं, जो बाद में यहां पर मिली हैं। और ये सारी गुफाएं 5 से 11वीं सदी के बीच में
बनाई गई है यहाँ पर। और जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट इसमें जो मिस्टीरियस एलिमेंट है वो है कृष्णा टेम्पल। चलें भाई, नहीं वन से किधर से, वन से तो इधर होगी ना मनीष, ये तो 17 से होगी ना, तो वन तो इधर ही होगी ना, वो इधर जा रहे हैं ना। स्टार्टिंग किधर से? इस साइड से स्टार्ट करते हो, इस चले जाओ। अच्छा इधर से उधर 16 से एक नंबर तक उधर। अच्छा मनीष अपन उस साइड चलते हैं, इसको ऊपर से चढ़ के फिर यूं देख के नहीं आएंगे, ठीक है? वो तो मैं कह रहा हूं। हाँ उस साइड चलते हैं। तो होली के बाद काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पर आए हुए हैं इंडिया के रिच कल्चरल हेरिटेज को देखने। डिफरेंट डायनेस्टीज ने यहाँ अलग अलग गुफाओं का उत्खनन करवाया और ये है कृष्णा टेम्पल, जो ऐसा माना जाता है कि एलियंस ने बनाया है। कुछ गुफाएं क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं और जो बाकी है उनको एएसआई द्वारा कंजर्व किया जा रहा है। गर्मी के मौसम में लॉन्स वॉन्स थोड़े मेंटेन्ड हैं, थोड़े नहीं हैं। मैंने इधर भी कुछ केव्स उन्होंने बनाई थी, कंप्लीट नहीं हुई। इधर भी जाती है क्या पब्लिक? हाँ पब्लिक इधर नहीं जाती, इधर भी जाती है ना, आ रहे हैं ना ये लोग। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तो यही है कृष्णा टेम्पल। इसको राजा ने कांची में एक टेम्पल है, कांची में एक टेम्पल है, कांची में एक टेम्पल है, उसको देखकर उसकी रानी ने कहा कि मुझे भी एक ऐसा ही टेम्पल राजा कृष्ण देव राय टेम्पल चाहिए। तो फिर उस रानी के कहने पर राजा ने यहाँ पर ये बड़ा टेम्पल बनवाया। तो उस तरफ से चलें क्या करें? इधर कुछ लिखा हुआ नहीं है, पहले अपन ये देख लेते हैं, मेन मेन देख लेते हैं। ये अनकट है पर ये तो बंद कर रखी है। सो दिस इज द ब्यूटीफुल कृष्णा टेम्पल। भगवान विष्णु के अनेक अवतारों के फोटो यहाँ पर हैं।